टाइगर 3 का 40 दिन का फाइन शेड्यूल खत्म करेंगे सलमान, शुरू करेंगे दो बड़ी फिल्मों पर काम। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की झोली में इस वक्त कई बड़ी फिल्में हैं। हाल ही में सलमान खान ने फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ की शूटिंग खत्म की है और अब ये फिल्म बड़े पर्दे पर 26 नवंबर या 2021 को रिलीज के लिए तैयार है। फिलहाल दबंग खान बिग बॉस 15 की होस्टिंग में तो व्यस्त हैं ही, साथ ही दबंग अपनी मच अवेटेड फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग खत्म करने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। फिल्म का स्पिन शेड्यूल रैप अप करने के बाद अब मुंबई में फिल्म के 3 बड़े सेट तैयार किए गए हैं, जहां सलमान और कैटरीना फिल्म के बाकी मेंबर के साथ शूटिंग खत्म करेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की अलग अलग लोकेशंस में टाइगर 3 के लिए बड़े सेट तैयार किए गए हैं, जहां इसकी लगातार 40 दिनों तक शूटिंग होगी, जिससे फिल्म को सही वक्त पर खत्म किया जा सकेगा। सलमान, कैटरीना और इमरान हाशमी मुंबई में लोकेटेड इन सेट्स पर ही फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। टाइगर 3 के रैप अप के बाद सलमान खान चिरंजीवी स्टारर गॉडफादर की शूटिंग शुरू करेंगे। बता दें कि पहले इस फिल्म में सलमान खान का कैमियो रोल होने वाला था, जिसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है। दबंग खान इस फिल्म के लिए 15 दिनों के शेड्यूल में काम करेंगे। खबरें हैं कि दोनों फिल्मों की शूटिंग को खत्म करने के बाद सलमान खान अपने जन्मदिन पर छुट्टी पर रहेंगे। कहा जा रहा है कि छुट्टियों के बाद भाईजान साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बन रही कभी ईद कभी दिवाली पर फाइनली काम शुरू करेंगे। 15 जनवरी से इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी, जिसके लिए मुंबई फिल्म सिटी में एक आलीशान घर का सेट तैयार किया जाएगा। फिल्म में बतौर लीड रोल निभाने के लिए सलमान खान और पूजा हेगड़े को लॉक कर लिया गया है, जबकि बाकी किरदारों की कास्टिंग फिलहाल बाकी है। सोर्सेस की माने तो इस फिल्म में सलमान के भाई के किरदार के लिए सूरज पंचोली और आयुष को कास्ट किया जा सकता है। बात करें फिल्म के प्लॉट की तो कहा जा रहा है कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी, जहां सलमान के भाई शादीशुदा होंगे और वो उनकी शादी करवाने की कोशिश करते दिखेंगे। वैसे सलमान की नेक्स्ट रिलीज में अंतिम, टाइगर 3, कभी ईद कभी दिवाली, गॉडफादर ही शामिल नहीं है, बल्कि सलमान के पास राजकुमार गुप्ता और अनीस बज्मी की कॉमेडी ड्रामा फिल्म ब्लैक टाइगर भी है। इनके अलावा सलमान शाहरुख खान की फिल्म पठान में कैमियो रोल निभाते भी दिखेंगे।